में देख लें आप भोजन। हाँ जी, मेरा और सवाल रहे, एक और भी है। हाँ चले, माशाल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम का जो नाम है ये उनके घर में नहीं रखा गया, ये फिरौन के घराने में रखा गया है कि मूसा का मतलब ये है कि पानी से निकाला हुआ, जो वो बताते हैं मैंने इसके। तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो 40 साल से ऊपर वो मुद्दत लगी, और हारून को उनकी रिकमेंडेशन पे, उनकी सिफारिश पे वो जल्दी से नबी बना दिया गया, ठीक है, ताकि उनकी वो जाके वो करें। कहाँ था ये कि जल्दी से क्या मुराद है, मतलब उनको 40-45 साल लगे नबी बनने में। खुदा ताला के, खुदा ताला के इल्म में था कि नहीं? नहीं, मजबूत था है? जी, तो फिर जल्दी की बहस ही कोई नहीं। अगर अफरा तफरी में किसी बादशाह ने बनाया होता फिर लफ्ज जल्दी से एक मुहावरा दुरुस्त साबित होता, लेकिन अल्लाह तो कादर कादर मुतलक है। इसमें बहुत सी हिकमतें थीं कि किसी नबी की सिफारिश पर नबी बनाना और ये साबित कर देना कि नबी के खदशात बहरहाल गलत थे, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि रिसालत कहाँ से हो। इस वाक्य ने यह साबित किया है। अच्छा, हजरत मूसा 40 दिन के लिए अलग हुए, हारून नहीं संभाल सके। हाँ जी, है जब फिरौन के सामने गए हैं तो ये कहता था मेरी जुबान नहीं चलती, मेरे भाई अफसर मिलनी, वो भाई चुप हो गया और हजरत मूसा बोलते हैं, और जहाँ कुरान ने फरमाया दोनों बोले वहाँ फिरौन ने हारून को नज़रअंदाजी कर दिया। अच्छा, वो खातिब मूसा से होता है, वो जानता है कि असल ये चीज़ है। तो जो इनके अंदर सिफात थी वो नबूवत की जलवा कर सिफात होने के लिहाज से बिल्कुल ज़ाहिर व बाहर थी। हजरत हारून पर एहसान हुआ इसलिए अल्लाह ताला ने उनको भी पाकी बख्शी, एक मरतबा अदा किया, मगर हर वाक़या जो गुजरा है उसके बाद वो साबित करता था कि अल्लाह ताला का फैसला दुरुस्त था कि मूसा ही हकदार था और हारून महज इनाम के तौर पर अता हुआ है। हारून को नबूवत और इनाम के तौर पर, मोहब्बत के तौर पर नबूवत अता होना ये कतई तौर पर साबित है। आगे आपका सवाल, इन दो को छलांग फलांग के कैसे आ जाएगा? अच्छा, याद थे दोनों की तरफ से, दो मिनट रहते हैं, है ना? ठीक है, समझिए।